लगता है काला सागर में जेलेंस्की ने रूस के ऊपर बड़ा हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा ये कर रहे हैं कि ड्रोन युद्ध से यूक्रेन रूस को हराना चाहता है, लेकिन रूस ने ईरान के साथ मिलकर बाजी पूरी तरह से पलट दी है। काला सागर में यूक्रेन की पहली हार ने जेलेंस्की को कहीं का नहीं छोड़ा है। क्या 15 महीने बाद काला सागर में यूक्रेन की पहली हार हो गई है? आखिर यूक्रेन के पहले सबसे आतंकवादी हमले को पुतिन की समुद्री सेना ने कैसे मात दे दी है? काला सागर में यूक्रेन की पहली हार। रूसी रक्षा मंत्रालय के लिए काम करने वाले ज्वेज़्दा टीवी चैनल के फुटेज में इस आधार पर दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के 300 आत्मघाती समुद्री ड्रोन में से हमले करने वाले 3 समुद्री ड्रोन को मार गिराया गया है। 3 मार दिए गए, 300 मरने वाले। आकाश से जमीन तक और जमीन से समंदर तक रूस यूक्रेन युद्ध उस दौर में पहुंच चुका है जहां पर दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हैं। ड्रोन हमले शुरू से ही रूस यूक्रेन जंग का ऐसा बेमिसाल हथियार साबित हुए हैं। ड्रोन हमलों से घातक हमलों की शुरुआत यूक्रेन ने तुर्की के बने TV2 ड्रोन से की थी, जिसने शुरू में रूस सेना के टैंक तो और हथियारों को दबा करके रख दिया। लेकिन जैसे ही रूस ने ईरान के शाहिद 136, शाहिद 131 और अराश 2 से यूक्रेनी सेना पर भयानक हमले किए, तब से यूक्रेनी सेना रूस के आत्मघाती ड्रोनों के हमलों से तबाह हो चुकी है। यही वजह है कि अब एक बार फिर से यूक्रेन ने रूस को काला सागर में दबाह करने के लिए इस बार समुद्री ड्रोन से रूस के समुद्री जासूसी जहाज इवान खुर्स पर भीषण हमला करने की कोशिश की। लेकिन यूक्रेन के समुद्री ड्रोन रूस के इवान खुर्स टोही जहाज को तबाह करने से पहले ही खुद ही तबाह हो गए। जरा रूसी रक्षा मंत्रालय के लिए काम करने वाले ज्वेज़्दा टीवी चैनल के इस फुटेज को देखिए, जहां पर यूक्रेन का एक समुद्री ड्रोन यानी स्पीड बोट हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन तभी रूस की तरफ से भीषण गोलाबारी ड्रोन पर होती है और गोला लगते ही यूक्रेन का समुद्री ड्रोन जोरदार धमाके के साथ तबाह हो जाता है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के इस आत्मघाती ड्रोन ने दक्षिणी काला सागर में तैनात रूस के जासूसी जहाज इवान खुर्स पर हमला किया था। विस्फोटकों से भरी यूक्रेन की आत्मघाती स्पीड बोट का टारगेट इवान खुर्स था। जहाज से टकराने के कुछ सेकंड पहले रूस के जवाबी हमले में स्पीड बोट तबाह हो गई। दावा किया जा रहा है कि रूस की गोलाबारी में स्पीड बोट के अगले हिस्से में लगे विस्फोटक में जैसे ही रूसी गोला लगा उसमें जबरदस्त धमाका हो गया। खबर के मुताबिक रूसी जहाज पर हमला दक्षिणी काला सागर के बोस्फोरस स्ट्रेट इलाके में 40 समुद्री मील दूर सुबह 5:30 बजे हुआ है। दावा किया गया कि रूस का जहाज पोत तुर्की के समुद्री इलाके में पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे की रखवाली कर रहा था जिस वक्त उस पर हमला करने की कोशिश हुई। весь арсенал экономический, военный, политический, информационный, развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются. और इससे पहले क्रेमलिन में पुतिन के दफ्तर पर भी ड्रोन हमला हुआ जिसे नाकाम कर दिया गया था। तब भी रूस ने आरोप ये लगाया था कि यूक्रेन के ड्रोन ने पुतिन को मारने की कोशिश की थी। अब सवाल उठता है,
बिल्कुल, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि रूस यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे को जंग में तबाह करने के लिए बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। काला सागर में यूक्रेन की पहली हार। हम आपको आगे बताएंगे कि समंदर में रूसी जहाज पर आत्मघाती हमला करने वाली यूक्रेन की स्पीड बोट को क्यों बेहद खतरनाक बताया जा रहा है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पिछले 30 से 40 दिनों में अचानक ड्रोन हमलों की बाढ़ क्यों आ गई है। इससे पहले क्रेमलिन में पुतिन के दफ्तर पर भी ड्रोन हमला हुआ था जिसे नाकाम कर दिया गया था। तब भी रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन के ड्रोन ने पुतिन को मारने की कोशिश की थी। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे को जंग में तबाह करने के लिए बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सीधा सा जवाब, कम पैसे कम जोखिम में दुश्मन का जबरदस्त नुकसान। На солидарском тактическом направлении противник вчера провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон протяженностью более 95 километров. Подразделениями вооруженных сил Украины было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более 1000 военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника. 15 महीने से ज्यादा की जंग में पुतिन के रूस ने यूक्रेन की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। पूर्वी यूक्रेन के बड़े इलाके में रूसी सेना भूखे भेड़ियों की तरह यूक्रेन की सेना पर टूट पड़ी है। दावा किया जा रहा है कि रूस अब तक यूक्रेन के 30% इलाके पर कब्जा कर चुका है। इस वक्त रूस यूक्रेन को 7 तरह से तबाह कर रहा है जिसमें ईरानी हथियार रूस के लिए वरदान साबित हुए हैं। अब तो हालात ये हो गए हैं कि रूस के हमलों से बचने के लिए यूक्रेन की सेना स्टील के पिंजरों का इस्तेमाल कर रही है। हम आपको बताते हैं कि जो हथियार यूक्रेन को नाटो और अमेरिका से मिले हैं वो कैसे रूस और ईरान के आत्मघाती ड्रोन का बुरी तरह से शिकार हो रहे हैं और क्यों अब यूक्रेन हथियारों को बचाने के लिए स्टील के पिंजरों का इस्तेमाल कर रहा है। काला सागर में यूक्रेन की पहली हार। यूक्रेन के टैंक तो और रॉकेट आर्मी पर रूस ने ईरानी ड्रोन से सबसे ज्यादा हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के आत्मघाती ड्रोन की मारक क्षमता इतनी जबरदस्त है कि यूक्रेन की तोप और टैंक भी ड्रोन हमले में तबाह हो रहे हैं। यूक्रेन के सामने दिक्कत ये है कि ईरान के आत्मघाती ड्रोन पर जब तक यूक्रेन हमला करने की कोशिश करता है तब तक रूस और ईरान के ड्रोन यूक्रेन के तोपखाने को तबाह कर डालते हैं। रूस और ईरान के इन्हीं आत्मघाती ड्रोन से बचने के लिए यूक्रेन ने स्टील के बड़े बड़े पिंजरे बनाए हैं ताकि ड्रोन डायरेक्ट तोप या टैंक से टकरा न पाए। स्टील के इन पिंजरों को यूक्रेन एक तरह से तोप टैंक और रॉकेट के लिए कवच बना चुका है जो ईरान और रूस के ड्रोन से उन्हें बचाने में मदद करते हैं। Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 7 противорадиационных ракет «Харм», одна крылатая ракета большой дальности «Сторм Шэдоу», а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймарс». और जंग के बीच अभी तक रूस ने ड्रोन हमलों से यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पिछले 15 दिनों में रूस की सेना ने कीव पर 300 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। जंग में ईरान के ड्रोन रूस के लिए रामबाण साबित हो रहे हैं। रूस के ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों को देखते हुए ही अब यूक्रेन ने भी रूस पर जबरदस्त ड्रोन हमले करने शुरू कर दिए हैं। यही वजह है कि दक्षिण काला सागर में रूस के जासूसी जहाज पर यूक्रेन के समुद्री ड्रोन ने हमला किया। अब आप ये भी जान लीजिए कि रूसी टोही जहाज इवान खुर्स पर हमला करने वाला यूक्रेनी ड्रोन कितना खतरनाक है। रूस के इवान खुर्स पर यूक्रेन के 3 समुद्री ड्रोन ने हमला किया लेकिन यूक्रेन के 3 समुद्री ड्रोन को रूस ने धमाकों से उड़ा दिया है। दावों के मुताबिक यूक्रेन का समुद्री ड्रोन 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर में दौड़ता है। यूक्रेन के समुद्री ड्रोन 65 किलोग्राम के विस्फोटक के साथ हमला करता है। दावा किया गया है कि यूक्रेन का समुद्री ड्रोन यानी स्पीड बोट लगभग 97 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। 12 फीट लंबी यूक्रेन की आत्मघाती स्पीड बोट मानव रहित होती है जो अचूक हमला करती है। Саме зараз час, щоб вже цього року ми визначали завершення цієї війни. Вже цього року ми можемо зробити поразку агресора незворотньо. 3 мертві, 300 мрне вали.
जमीन, आकाश और समंदर हर तरफ से ड्रोन हमले हो रहे हैं। अभी तक रूस ने ड्रोन हमलों से यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पिछले 15 दिनों से रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 300 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के ड्रोन रूस के लिए रामबाण साबित हो रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि रूस और ईरान के कौन से ड्रोन यूक्रेनी हथियारों के लिए काल बन चुके हैं, लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि इस वक्त रूस यूक्रेन की सेना को कहां कहां तबाह कर रहा है। एक तरफ 2,00,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों के मारे जाने के बाद से पुतिन जंग को जल्द से जल्द जीतने की कोशिश में भयानक जंग करने पर उतारू है, तो वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस समेत नाटो के 31 देशों के दम पर रूस के साथ साथ रूस के दोस्तों को तबाह करने में जुटे हैं। लेकिन यूक्रेन में चल रहे मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि रूस यूक्रेन को हरा देगा, क्योंकि यूक्रेन को अभी तक उतने घातक हथियार नहीं मिल पाए हैं जितने उसे जंग जीतने के लिए चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी रुकावट कहीं ना कहीं ईरान बन रहा है, जो यूक्रेन को सप्लाई होने वाले हथियारों पर कड़ी नजर रखे हुए है। पुतिन के लिए ईरान फरिश्ता बनता जा रहा है। काला सागर में यूक्रेन की पहली हार। इस वक्त ईरान ने अपने हथियारों के बंकर पूरी तरह से रूस के लिए खोल दिए हैं। ईरान के टॉप जनरल चुन चुन कर ऐसे हथियार रूस को भेज रहे हैं जो अमेरिका और नाटो के हथियारों को तबाह कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने कैस्पियन सागर के रास्ते रूस को बहुत बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद गुप्त तरीके से पहुंचा दिया है। पश्चिमी मीडिया को खुफिया सूत्रों से पता चला है कि ईरान रूस को अब तक 5,000 आत्मघाती ड्रोन दे चुका है, तो वहीं 10 करोड़ गोलियां और 3,00,000 बम ईरान से रूस पहुंच चुके हैं। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक 2,000 से ज्यादा ईरान के शाहिद 136 यूक्रेन पर हमला कर चुके हैं। वहीं रूस के लैंसेट 3 कामिकाजे ड्रोन ने भी यूक्रेन के हथियारों को तबाह कर डाला है। रूस के लैंसेट 3 कामिकाजे ड्रोन और ईरानी ड्रोन ने मिलकर यूक्रेन के 45% तोपखाने को तबाह कर डाला है। लैंसेट 3 के बारे में दावा किया गया है कि इसने अमेरिका की M777 लाइट वेट होवित्ज़र तोपों को उड़ा दिया है। यहाँ तक कि अमेरिका की M109 पॉलाटिन बंदूकें भी लैंसेट 3 कामिकाजे ड्रोन के हमलों में तबाह हो रही है। Із 21 години 17 травня по 5:30 ранку 18 травня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків. Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. Із літаків стратегічної авіації 2 Ту-160 та 8 Ту-95 випущено 22 крилаті ракети Х-101, Х-555. अब देखना होगा कि समंदर में रूस के जासूसी जहाज पर हमला करने वाले यूक्रेनी ड्रोन के नाकाम हमलों के बाद रूस किस तरह से पलटवार करता है।